अज खुदा खाहिम तौफीक अदा। मैं हूँ गल सुना ना, पर फिर मैंने एक और याद आ गई है, वो मुरकियाँ कन्ने च पाइया, लम्बे लम्बे कपड़े, मझा लैके लगा जाता है। ख्वाजा नूर मुहम्मद फनाफी रसूल सरकार है, हजरत साहब किबला फरमाते ने मैं सैकल फड़ी हुई काठी पिछों, तो मझा दगड़ दगड़ कर दियाँ लगियां, तो तोड़ उड़ा दियाँ, तो एक दूजी को वज दियाँ, तो मैं परेशान हो गया। मैं कह भी खैर नहीं, ऐसा सी बड़ा मसला बन जाएगा। दौड़िया आदि ने तो उन्होंने तेजी नाल पिछों दौड़ के ना, तो गुजर आया तो आ के मझा तो भी अगे, उन्हें दूरों वेख लिया पीर साहब आ रहे हैं मझा तो भी अगे, ये दौड़ के आके तो सरकार ने बांह तो फड़ लिया। हजरत साहब फरमाते ने सरकार ने जरा परेशानी का इजहार नहीं किया, बांह तो फड़ के तो लैण वाले पासे उत्ते लैके चढ़ गया, सरकार उधर हो गए, मझा लंघ गई। थोड़ा जा अगे ले जाके तो सरकार ने आख्या, लो जी मैनू जी इजाजत है, अं सलाम करके ना। फरमाया हाँ इजाजत है। तो हजरत साहब फरमाते ने जो तुरया ना, तो सरकार ने फरमाया मेरे हुण बस की गल आ, ले जांदा ही है। लो जी वह की लै गया सी, हुण मैनू यह तो नहीं पता सरकार ने की दिता तो की लै गया, पर इन्ना को पता है हजूर का जिथे जिक्र आता है अदब करने वालों में तो उस गुजर का भी जिक्र आ जाता है। घट लै गया करे उनके खानदान च किन्ने को लोग होणगे, हैं किन्नी को दुनिया होगी। मैं सरकार का तज़किरा लिखना शुरू किया, 30 साल हो गए ने लिख रहे, अलहमदुल्ला लिख रहा वहां, तो जारी है 30 साल हो गए ने, तो यह जारी रहना है। और क़यामत तक हजूर दे गुलाम जेड़ा जेड़ा आएगा लिखते ही रहेंगे और यह चलता ही रहेगा। पर जे तज़किरे दे विच जदों गल आई, ख्याल आया गुजर दा, मैं आख्या हुण इहदा वाकिया विच पाउण तो बगैर अगे लंघ जाइए, गल बनदी ही नहीं। अज खुदा खाहिम तौफीक अदब, बे अदब महरूम मादज फजल रब। उन्हें तो आख्या सी ना, तुसी पहले सट्टो कि असी पहले सटीए। मैनू याद है बात, हजरत साहब किबला ने एक जगह तक वाकया बयान फरमाया, आप फरमाते ने इत्थे किला शरीफ बेड़ी ते सरकार बहन लगे, तो घोड़ी सरकार दी कोल सी, नाल गुलाम भी एक दो, ते फरमाया बेड़ी थोड़ी जी जरा ना वो पानी एडा जिथे डूंगा होवे ना उत्थे लंगर अंदाज सोहने तरीके नाल हो जांदी, कंडे नाल लगदी, ते जित्थों जरा कोई थल्ले पानी घट होवे अट छट होवे उतो फिर बेड़ी कोल आगा नहीं आया जांदा। वो अल्लाह जाने बेड़ी थोड़ी जी कोई 2-4 फुट पिछा सी की बनिया, हिल गई। फरमाते ने सरकार दे गुलाम नाल सन, तो घोड़ी फड़ी हुई है, मैनू वाकया अज भी याद है, हजरत साहब की जुबानी मैं सुनिया है। फरमाते ने घोड़ी नू ना एक गुलाम ने पकड़िया, तो जिसले लगे ना बहन तो घोड़ी का पैर थुड़किया तो विच जा पई, तो जेडे इधर दो कु खड़े सन, एक पार खड़ा सी सरकार का गुलाम, वो उत्थों वेंदा सी पिया भी हजूर घोड़ी तो बहन लगे ने, तो सरकार बेड़ी तो बहन लगे ने, तो घोड़ी भी बहन लगी है, ये सरकार पिछे ने घोड़ी विच डिगी है, तो इधर एक दो बंदे थे वो ना मैं कुंजन कंजन लग पाया कपड़े कुपड़े, तो जोड़ा उधर खड़ा से ना उन्हें दड़म छाल मारी बेच घोड़ी क्ढन वास्ते। अच्छा भी उन्हें पारों घोड़ी क्ड लेनी सी, जे इतने खड़े ने उन्होंने को गांव के फड़े तो फड़े, वो जोड़ा पार खड़ा से उन्हें घोड़ी क्ड लेनी सी। रात बैठे सरकार ने फरमाया यार वो वेखो उन्हें घोड़ी क्ड तो नहीं सी लैनी, पर उन्हें कपड़े नहीं कुंजे, जहाँ वेख्या तू साड़ी घोड़ी दरिया दे विच डिगी, उन्हें पारों ही छाल चा मारी है। सरकार ने उन्हें जिक्र बड़ी मुहब्बत नाल फरमाया, इहदा मतलब है कि ये इन्नी को गल सरकार दे दिल ते लिखी गई। अज़ खुदा मरदे हकदे तां जनाब राह दे विचों लंघदियां कोई थोड़ा जा कोई कंडा ही पासे जा करे ना, ते उनका दिल खुश हो जाए, उधरों लहर आनियां शुरू हो जांदियां ने। आज खुदा खाहिम तौफीक